कितनी बढ़िया बनी है हमारी साबुत भिंडी मसाला की रेसिपी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुत भिंडी मसाला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी की फ्रेंड्स हमने 12 से 15 भिंडी लिया है, वेट में लगभग 400 ग्राम के आसपास है। तो भिंडी के हम डंठल को इस प्रकार से काट देंगे और एक कट लगा देंगे बीच में, ताकि बीच में भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमने इस प्रकार से कट लगाया भिंडी को, और थोड़ी बहुत नमक और मसाले भी इसमें चले जाए कटने के बाद। तो सारी भिंडी को हमने इसी प्रकार से इसके डंठल को काट के बीच में इस प्रकार से हल्का चीरा लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने सारी भिंडी को कट के रख लिया है, और ये देखिए हमने इस प्रकार से सारे भिंडी को हमने कट कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने फ्रेंड्स, आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। हमने फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ी सी तेल डाला है, तेल बहुत ही कम क्या इस्तेमाल किया है हमने, कम तेल में भी ये अच्छे से बन जाता है, इसमें ज़्यादा तेल की आवश्यकता है नहीं। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी चला के इसे कवर करके पकाया है। तो इसे 2 से 3 बार आप कवर करके अब पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, हमारा जो भिंडी है इसमें कलर चेंज हो रहा है, बहुत ही झटपट बन जाती है ये, 10 से 15 मिनट में आपका ये रेसिपी बन के तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप चला के फिर से इसे कवर करके पकाएंगे। तो बारी बारी से आप 3 से 4 बार इसे कवर करके इस प्रकार से पकाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया से ये पक जाएगा। हमने जो बीच में चीरा लगाया था उसके अंदर भी अच्छे से पकेगा। तो ये देखिए, हमारा भिंडी का जो कलर है ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो ये देखिए, इसी प्रकार से आप चला देंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ पक जाए। तो ये देखिए, हमारा लगभग भिंडी पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले हमने नमक इसमें डालेंगे, उसके बाद हल्दी बिल्कुल आधी छोटी चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर, और ये हमने थोड़ी सी किचन किंग का इस्तेमाल किया है, आप सब्जी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले को हमने बिल्कुल एक एक चुटकी लिया है, मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधी आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी आधी चम्मच। तो इस प्रकार से मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से इसे चला लेंगे, और उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया ये मसाला भी हमारा कोट हो गया है इसमें। तो मसाला ये अच्छे से मिल गया है। मसाला डालने के बाद भी हम 1 से 2 बार इसे 1-2 मिनट के लिए इसे कवर करके पका लेंगे, क्योंकि भिंडी हमारी अच्छे से ऑलरेडी पक चुकी है, मसाला केवल सेपरेट होना है इसमें। तो ये हमारा देखिए कितना बढ़िया मसाला भी पका है। तो ये फाइनली हमारा साबुत भिंडी मसाला की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, तो ये सर्व के लिए हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये पकी है, आपको पता चल रहा होगा ना कि हमारी भिंडी कितनी बढ़िया ये पकी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पे बनाएं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।